Welcome to Biology Extrema, where we teach biology from the basics to the extreme. Myself Keshav Bansal, and आज हम क्या study करेंगे इस video में बच्चा? आज हम nervous system को study करेंगे. क्या पढ़ेंगे nervous system में? Synapse and उनके types. ठीक है? तो देख रहे थे specifically हमने क्या क्या study करना है. सबसे पहले हम देखेंगे synapse क्या होते हैं. ठीक है? थोड़ा सा idea वो आपको कि junctions present होते हैं. ठीक है? जिनसे nerve impulse का transmission होता है. बाकी अभी हम detail में बात करेंगे. फिर हम synapse देखेंगे. synapse क्या है? synapse का क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है? क्लासिफिकेशन में हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन भी करेंगे कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर. ठीक, कि कौन सा न्यूरॉन जो कौन सा, बिकॉज जंक्शन है तो दो न्यूरॉन्स के बीच में होगा. ठीक है? एक प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन होगा, एक पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन होगा. ठीक है? यानी एक सैनेप्स से पहले आया, डेट ये बीच में अगर हम कोई इमेजिन एक सैनेप्स मान लें. ठीक है? कोई चीज़ सैनेप्स होती है, लेट ये हमने ऐसा रख दिया यहाँ पर, ये सैनेप्स है. ठीक, और ये मैं आपको एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ बिना टॉपिक पढ़े, जो चीज़ समझी जा सकती है. ठीक है? कि ये प्री होगा या सैनेप्स से पहले, पोस्ट होगा सैनेप्स के बाद. ठीक है? तो इस प्री का कौन सा पार्ट, बिकॉज जंक्शन है. ठीक है? दोनों के बीच में जंक्शन है जहाँ से दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से. क्लियर? तो ये किस तरीके से इसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, प्री जो सैनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन से. ठीक है? कौन सा पार्ट जाकर इससे अटैच हो रहा है, कौन सा पार्ट ट्रांसमिशन कर रहा है, किस किस के बीच हो रहा है, ये तो वो सब आता है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन. बाकी जब आप अभी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? अच्छा, इस सबसे पहले आपको एक बेसिक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर होता है वो पता होना चाहिए. क्या बेसिक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आपको जो फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो वो देख के आएँ. ठीक है? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. बाकी यहाँ पर हम स्टिल एक बार डिस्कस कर लेंगे, बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है. बाकी डिटेल में आपको वीडियो में मिल जाएगा, अलग से सेपरेट वीडियो है. फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है. यहाँ एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या था कि किस तरीके से कौन से पार्ट ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिकली हम बात करें कौन सा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है और कौन सा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन में है कि किस तरीके से कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर. ठीक है? जैसे हम देखें कि इलेक्ट्रिकली कर रहे हैं, बिजली का सहारा ले रहे हैं, या फिर किसी केमिकल का सहारा ले रहे हैं, केमिकल ही हो रहा है. ठीक है? इस सब की बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. तो हमने कहा सैनेप्स, सबसे पहले हम सैनेप्स की बात करेंगे. तो सैनेप्स क्या है बच्चा? सैनेप्स जंक्शन है. ठीक है? जंक्शन अब किस किस के बीच हो सकता है? अब बच्चों को लगता है सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच होगा. नहीं, ये जंक्शन जो है न्यूरॉन्स के बीच तो हो ही सकता है, सबसे मेजॉरिटी में वहीं पाया जाता है. ठीक है? लेकिन ये जंक्शन जो है वो न्यूरॉन्स और ग्लैंड के बीच भी हो सकता है, और ये जो जंक्शन है ये न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच भी हो सकता है. ठीक है? जैसे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन आपने स्टडी किया होगा मसल फिजियोलॉजी में. ठीक है? तो ये जंक्शन है जो दो न्यूरॉन्स के बीच में हो सकता है, न्यूरॉन और ग्लैंड के बीच में हो सकता है, न्यूरॉन या फिर मसल के बीच में हो सकता है. न्यूरॉन जरूर कंपलसरी होगा. ठीक है? अब जब ये जंक्शन है तो क्या किसी चीज़ का ट्रांसमिशन हो रहा होगा इस जंक्शन के थ्रू? ठीक है? किस चीज़ का ट्रांसमिशन हो रहा होता है इस जंक्शन के थ्रू? इस जंक्शन के थ्रू ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स का. सबसे पहले आप समझो किसका ट्रांसमिट होगा, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिट होगा. ठीक है? कि जो एक तरीके से आप अगर बेसिक समझो कि न्यूरॉन्स जिस भाषा में बोलते हैं तो वो क्या भाषा है, वो नर्व इम्पल्स की भाषा है. ठीक है? जैसे हम हिंदी में बोलेंगे, कोई इंग्लिश में बोलेगा. ठीक है? तो न्यूरॉन्स के बात करने की भाषा जो है वो क्या है, नर्व इम्पल्स है. क्लियर? तो इसलिए अगर किसी ग्लैंड को समझना है न्यूरॉन की भाषा, तो एक कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड होंगे जैसे रिसेप्टर्स की तरह जो एक्ट करते हैं. ठीक है? कुछ मसल सेल होंगे स्पेसिफिकली जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर प्रेजेंट है, ताकि न्यूरॉन की भाषा समझ सकें, यानी नर्व इम्पल्स की कहानी समझ सकें. ठीक है? तब क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्स कैरी होकर आता है, अगर हम सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें न्यूरॉन की. ठीक? तो क्या प्रेजेंट होता है इसमें, सेल बॉडी प्रेजेंट होती है. ठीक है? सेल बॉडी प्रेजेंट होती है. सेल बॉडी से दो प्रोसेसेस अराइज होते हैं, लॉन्ग प्रोसेस एंड शॉर्ट प्रोसेस. लेट ये हमारा एक सेल बॉडी हो गया. ठीक है? इससे आपका क्या होगा, इससे एक्सॉन निकलेगा जो लॉन्ग प्रोसेस है. ठीक है? ये एक्सॉन निकल गया, एक्सॉन एंड कर जाएगा एक्सॉन टर्मिनल्स में. क्लियर? और दूसरा क्या होता है, दूसरे अराइज करते हैं आपके डेंड्राइट्स. ठीक है? जो शॉर्ट प्रोसेस हो सकता है, बहुत सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है? आते हैं डेंड्राइट्स होते हैं. क्लियर? तो एक सिंपल सा जो ट्रांसमिशन देखें कि एक न्यूरॉन में कैसे ट्रांसमिशन होता है, तो एक न्यूरॉन में डेंड्राइट्स जो होंगे, ठीक है, ये अपने जो पहला वाला न्यूरॉन्स होगा, जो इनसे पहले न्यूरॉन्स होंगे उनसे ये ब्राउन कलर से क्या आ रहा है, इन पर सिग्नल आ रहा है. ठीक है? इन पर नर्व इम्पल्स आई, तो ये डेंड्राइट्स कैसे भेजेंगे, सेल बॉडी की तरफ भेजेंगे.
ठीक है, फिर सेल बॉडी से किसकी तरफ जाएगा, एक्सॉन की तरफ जाएगा, क्लियर। फिर जब यहाँ एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुँच जाएगा ये, यानी एक्सॉन की एंडिंग तक पहुँच जाएगा, तो अब वहाँ से फर्दर जब नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा, ठीक है, तो उसकी कहानी हम स्टडी कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया से प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। अब बीच में क्या होगा, यहाँ पर साइनेप्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, साइनेप्स के बाद क्या प्रेजेंट होगा आपका, नेक्स्ट न्यूरॉन, इसी तरीके से, ठीक है। तो उस अब वो कैसे वो ले रहा है, इन दोनों के बीच किस तरीके से वार्तालाप हो रही है, ठीक है, लेट इस यू को समझते हैं। तो अच्छा, ये जो नर्व इम्पल्स है जिस फॉर्म में बात करता है, ठीक है, जो न्यूरॉन है, तो नर्व इम्पल्स जो होती है वहाँ पर लिखा है स्पेशली इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसी को समझना। यहाँ पर लिखा नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल क्यों कहा, बिकॉज जब ये कैरी करते हुए आएगी एक्सॉन, हमने कहा एक्सॉन टर्मिनल से किस में जाएगी, साइनेप्स में जाएगी, साइनेप्स के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगी, यानी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये जो साइनेप्स से पहले कहाँ पहुँची, एक्सॉन टर्मिनल तक, तो एक्सॉन टर्मिनल तक जो ट्रैवल करके आ रही है एक्सॉन के थ्रू, वो किस फॉर्म में आती है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आती है, ठीक है। ये इस पर सेपरेट वीडियो बनेगी किस तरीके से एक्सॉन के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप लगभग सब बच्चे जानते होंगे इस चीज़ को कि किस की मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, आयन्स का मूवमेंट होता है, उससे क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल सुना होगा, डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन का, रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, आयन्स का मूवमेंट होता है, जिस वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, और वो जो पोटेंशियल है वो क्या, इलेक्ट्रिकल नेचर का है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो नर्व इम्पल्स हैं जो साइनेप्स तक आएंगे पहले, ठीक है, यानी इन एंडिंग्स तक आएंगे, वो ओरिजिनली इलेक्ट्रिकल नेचर के होंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है, यानी एक्शन पोटेंशियल आएगा सिंपल भाषा में कहें तो, ठीक है। अब जो ट्रांसमिशन इस साइनेप्स के थ्रू होगा, वो ट्रांसमिशन दो टाइप का हो सकता है, जो हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है, यानी जो आयन्स की फॉर्म में है, वो आयन्स डायरेक्टली भी पास डाउन किए जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो जाएगा। और अगर बीच में केमिकल्स का सहारा लिया गया, ठीक है, यानी उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, तो कौन सा आएगा, तो आपका केमिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, और वे डिटेल में स्टडी करेंगे। मेन बात आपको समझाना जरूरी था कि ओरिजिनली इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स कैरी करेगा जो एक्सॉन होगा, एक्सॉन टर्मिनल तक, ठीक है। अच्छा, जो साइनेप्स होगा दो न्यूरॉन्स के बीच में होगा, तो हम यूजुअली कहेंगे न्यूरोनल जंक्शन, लेकिन जब ये स्पेसिफिकली न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में होता है, तो हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पढ़ा होगा आपने मसल फिजियोलॉजी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स की, ठीक है, थोड़ा डेटा तो आपका लग ही गया, बिट तो हमने कहा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, दो तरीकों से हमने क्लासिफाई किया है। अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल में हमने क्या कहा था कि कौन कौन से पार्ट जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं कि यानी कौन सा पार्ट करेगा, यानी एक तो हमें पता ही है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट आएगा, ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट आएगा तो वो देगा। अब दूसरे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उसका कौन सा पार्ट जंक्शन फॉर्म करा है, उस बेसिस पर ये डिवाइड किया गया है, ठीक है, उस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। कहीं पर डेंड्राइट्स के बीच में भी हो जाता है, बट यहाँ पर हम तीन मेजर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सॉन कॉमन है, यानी एक न्यूरॉन का तो एक्सॉन ही होगा, ठीक है, तो यूजुअली एक्सॉन ही होता है, तो इसे उसमें समय लग गया एक्सो शुरुआत में, ठीक है, देखो समय एक्सो लग गया। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का हमारे पास क्या है, एक्सॉन आया, एक्सॉन टर्मिनल तक हमारे इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में उसका डेंड्राइट भी क्या हो सकता है, जंक्शन फॉर्म कर सकता है, ठीक है, जंक्शन फॉर्मेशन में पार्ट ले सकता है, तो हमने कहा एक्सोडेंड्राइटिक, ठीक है। और अगर जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उसका जो सेल बॉडी है, सोमा यानी सेल बॉडी, ठीक है, वो पार्ट ले रहा है जंक्शन फॉर्म करने में, तो हमने कहा एक्सोसोमेटिक। और अगर जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उसका क्या पार्ट ले रहा है, एक्सॉन, ठीक है, यानी दोनों जंक्शन जो है एक्सॉन एक्सॉन के बीच में बन रहे हैं, क्लियर। देखो जैसे ये एक इसका एक्सॉन हुआ, ठीक है, और एक इसका एक्सॉन हो गया, अगर जंक्शन फॉर्म हो रहा है एक्सॉन एक्सॉन के बीच में, तो वह एक्सो एक्सॉन, ठीक है। और भी टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, बट मेजर तीन टाइप्स के ही होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन की, ठीक। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम क्या कह रहे हैं कि किस क्या मोड है इम्पल्स को ट्रांसमिशन करने का। ओरिजिनली तो इलेक्ट्रिक आई है एक्सॉन से, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल तक। अब किस फॉर्म में ट्रांसमिट की जाएगी, अब ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, यानी आयन्स को ही ट्रांसमिट कर दिया जाए जो ओरिजिनली मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कर रहे थे, ठीक है, या फिर
केमिकल फॉर्म में किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर दिया गया थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, अब क्यों करते हैं इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को होने के लिए क्या होना चाहिए, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, यानी ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, लेट ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हुआ। ठीक है, ये हमारा एक घर हो गया और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हमारा दूसरा घर हो गया। ठीक है, तो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होना है, ठीक है, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होना है तो दोनों के जो घर होने चाहिए वो मिले मिले होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों के घर में क्या प्रेजेंट होने चाहिए, कॉमन दरवाजे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस घर में जो आयन्स होंगे, इस घर में जो आयन्स होंगे वो डायरेक्टली आयन्स इन जंक्शन, इन दरवाजों के थ्रू, जिन्हें हम कह रहे हैं गैप जंक्शंस, इन दरवाजों के थ्रू जिन्हें हम गैप जंक्शंस कह रहे हैं, इनके थ्रू प्री से किस में चले जाएंगे, पोस्ट में चले जाएंगे, पोस्ट में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है बच्चों, यहाँ पर हमें एक फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। ठीक है, कि दोनों जो है वो कंटिन्यूस हैं। ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं है, बीच में कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है। ठीक है, बट जंक्शन है तो इसलिए हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है। ठीक है, जंक्शन तो प्रेजेंट है, चाहे गैप जंक्शन प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, बट सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं प्रेजेंट होगा और फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो और एक्सचेंज किस फॉर्म में हो रहा है, एक्सचेंज डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है किसका, आयन्स का। ठीक है, जो आयन्स यहाँ पर जनरेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उन्हें पास डाउन कर दिया गया और वही वहाँ पर जनरेट कर देंगे। ठीक है, फिर फर्दर ट्रांसमिशन होता रहेगा। तो ये इस चीज़ की आपको फोटो दी गई है। ठीक है, यही बात, देखो गैप जंक्शंस प्रेजेंट है, गैप जंक्शंस के थ्रू प्री से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल सिनेप्स की। केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, ये एक्शन पोटेंशियल आया, देखो दोनों में एक्शन पोटेंशियल कैसे शो किया कि इलेक्ट्रिक नेचर है जो एक्शन पोटेंशियल होता है ओरिजिनली एक्सॉन से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक में तो इलेक्ट्रिकल किया गया, दूसरे में क्या किया गया, जो केमिकल सिनेप्स है, केमिकल में से इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया किसमें बचा, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में। कैसे, कि लेट एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल भी यहाँ पर आया तो यहाँ पर सर्टेन चैनल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कैल्शियम चैनल्स, तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए इस एक्शन पोटेंशियल, जब भी एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन से ट्रैवल करता हुआ एक्सॉन्स के टर्मिनल तक आया। ठीक है, जिसे हम सिनेप्टिक नॉब भी कह देते हैं इन टर्मिनल्स को। तो जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है। जैसे एक्शन पोटेंशियल आया वही दरवाजे खुल गए कैल्शियम चैनल के, और बाहर से कैल्शियम रश के अंदर, और जैसे वो कैल्शियम अंदर आया तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, पर बुलबुले प्रेजेंट थे किसके, यहाँ पर बुलबुले प्रेजेंट थे, उन बुलबुलों में कुछ केमिकल भरा था। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो कैल्शियम जैसे छोटे छोटे बालक है, कैल्शियम अंदर घुसे दरवाजों से और उन्होंने क्या किया, उन बुलबुलों को फोड़ दिया। ठीक है, इन बुलबुलों को हम क्या क्या नाम कह रहे हैं, क्या ना, सिनेप्टिक वेसिकल। इनमें क्या भरा था, इनमें केमिकल भरा था, न्यूरो ट्रांसमीटर। अब क्या होगा, वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो होगा वो रिलीज़ होगा किसके थ्रू, वो रिलीज़ होगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू, इन जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, और एक बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है बीच में, जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखो यहाँ पर कोई फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी प्रेजेंट है थ्रू गैप जंक्शंस, तो वहाँ पर कोई वो प्रेजेंट नहीं होता सिनेप्टिक क्लेफ्ट, बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं है अलग से। ठीक है, जुड़ो हैं, फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी है, बट यहाँ पर फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट है, ये स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो आयन्स का डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, इसलिए केमिकल का सहारा लिया जा रहा है। क्लियर बच्चा, तो क्या होगा, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होंगे, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है अपना, वो रिलीज़ कर देंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, इस स्पेस में, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे हैं। ठीक है, अब इससे ट्रैवल करते हुए ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक, ये जाएंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक, और इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में सर्टेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जिनके थ्रू ये अपना फर्दर फंक्शन शो करेंगे। अब ये डिपेंड करता है जो आपका न्यूरो ट्रांसमीटर है, कि इनहिबिटरी है, गाबा टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर है, फिर एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलीन। एक्साइटेटरी होगा तो फर्दर ट्रांसमिशन करवाएंगे, इनहिबिटरी होगा तो नहीं करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर और भी फंक्शन लिखे हैं, जीन एक्सप्रेशन करवा सकते हैं, फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी जनरेट करवा सकते हैं, या फिर इनहिबिट करवा देंगे कि फर्दर ट्रांसमिट ही ना हो, अगर न्यूरो वो होगा इनहिबिटरी ट्रांसमीटर होगा। क्लियर, तो केमिकल सिनेप्स में हमने क्या क्या देखा कि ये किस, अच्छा ये एक ही वाली बात भी, कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होगा वो न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के बीच ही होगा। ठीक है, जबकि जो केमिकल सिनेप्स है, केमिकल सिनेप्स आपको न्यूरॉन्स के बीच में भी मिल जाएगा और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी मिल जाएगा, यानी बिटवीन अ नर्व फाइबर एंड अ मसल्स फाइबर, यानी मसल सेल। ठीक है, कैसे होगा, कोई फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी नहीं होगी, तो बीच में क्या स्पेस प्रेजेंट है, जब कंटिन्यूटी है तो स्पेस प्रेजेंट है, क्या है उसका, स्पेस का नाम सिनेप्टिक क्लेफ्ट,
ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, केमिकल ट्रांसमीटर्स के थ्रू हो रहा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी हो गया न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। और जो फर्दर ट्रांसमिशन करवाएगा थ्रू पोस्टनेप्टिक न्यूरॉन, वहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और या फिर अगर इनहिबिटरी होगा तो वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करेगा, ठीक है, ट्रांसमिशन रोक देगा, जैसे लाइक गाबा, ठीक। तो जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की बेल हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें 110 रुपीज पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।